जय जगन्नाथ। आगत नागर अच्युत भणी अच्युतानंद कथा जिते आज्ञा आसे से निश्चित भाव नेबाळर पद्म वन महाप्रभु अच्युतानंद जन्मग्रहण कही जे पंचसखा जुगरे संपूर्ण भाव में कविभित हिसाब से अग्रगण्य जे कि आगत नागत बोली कह आगे कौन घटव ता भितर कौन रही भविष्य मालिका को जी संपूर्ण भाव में तन्न तन्न भाव में रचना करते जहाँ एवं घटुची से घटनावली को जी रचना करते से होती अच्युतानंद दास प्राकट्य हूँ भौम एकादशी जहाँ को कहुच माघ मासर एकादशी जे कि माघ मास दुईट एकादशी अच्छी ता भितर कृष्णपक्ष शुक्लपक्ष एकादशी जहाँ भौम एकादशी कह दिन जन्मग्रहण करते स्वतंत्र भाव सहित समस्त प्रकार विद्यार अग्रगण्य होते सी जे कि कह चैतन्य महाप्रभुंकर ठारु मध्य शिक्षे शिष्यत्व ग्रहण कर समस्त प्रकार प्रकार भक्ति को भाव को मध्य बांटी जहाँकि कथा जो जन्म वृत्तांत आसी था अनेक प्रकार आसी था कि महाप्रभुंकर पाखरे जे कि गरुड़ स्तंभ पाखरे मध्य संपूर्ण भाव में जन्म प्राकट्य होबार कथा आसी था बैश पावज प्राकट्य होबार कथा आसी था नेमाळर पद्म वन में प्राकट्य होबार कथा आसी था कि जहाँ भी होना कहीं से होती महान संत जहाँ को एवे समस्ते झुरुचंती एवे आगत भविष्य मालिका को लेकिन साधना तादी में संपूर्ण भाव में वैज्ञानिक माध्यम जहाँ नक जे केते कौन घटव ता संपूर्ण भाव से रचना कर जेतु जन्म उत्सव से महाप्रभुंकर अनेक प्रकार जे कि भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भकत पाई कलेवर दश मूर्ति धरी आउरी मध्य अनेक प्रकार गरुड़ पछरे देख दिशुची कला श्रीमुख अनेक प्रकार रचना करिसंती जाकु भाव विवलित हो जाती आज्ञा से भक्त जिते बड़े महाप्रभु महाप्रभु अच्युतानंद ये रचना को जिते बड़े महाप्रभुंकर पाखरे मध्य पठन होता है महाप्रभु भाव विवलित हो जाती से जन्म उत्सव में निश्चित भाव में स्मरण करतु तर समस्त प्रकार भाव जहाँकि अष्ट गुजरी अच्छी संपूर्ण भाव पाठ करूँ आ भक्तिर भाव सत सहित स्मरण करूँ निश्चित भाव आपणकर भविष्य से भाव में उज्ज्वलित हो। जय जगन्नाथ।